उज्जवल सिंह। तो नॉर्मल डे ही चल रहा है, आज पीयूष का बर्थडे है लेकिन मैं नहीं जा पाया श्रीरंग की वजह से। वो दो बार घर पे भी आया था, उसका मुंह भी बहुत गंदा वाला ही बन गया, लेकिन क्या करूँ जा ही नहीं पाया। और आज एक घंटे क्लास थी ट्यूशन की, तो वहीं से आ रहा हूँ। और आज चर्च डे था, फीलिंग गुड। और अभी ये वाली देखो मैंने कैसे पहनी, मतलब उसमें नीचे बनियान सिर्फ मैंने बनियान पहन रखी है बस, तो मतलब ना चौड़ा लग रहा हूँ एकदम। बाकी मुझे भी अजीब लग रहा है, नहीं जा पाया। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसके बर्थडे में बात है, अब क्या बताऊं मैं, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो रखा है। कोई बात नहीं, व्लॉग स्टार्ट हो गया। आज व्लॉग स्टार्ट करने में बहुत देर हो गई, ट्यूशन से आके स्टार्ट किया है मैंने, और अभी लास्ट में डाले नहीं था, बीच में गैप भी दे दी, प्रॉब्लम आ गई थी वो, जिस वजह से व्लॉग नहीं चल पाया। तो उसके लिए जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, सॉरी। टाइम कितना हो गया व्लॉग में कब स्टार्ट किया, वो देखो कितने 4:35 हो रहे हैं, 4:35 पे व्लॉग स्टार्ट किया मैंने, लेकिन कोई बात नहीं स्टार्ट करते हैं। तो घर पे आ गया हूँ मैं, आज रेस्ट करूंगा अभी थोड़ा, ट्यूशन से आ गया रेस्ट करूंगा और उसके बाद फिर तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर खाऊंगा पीऊंगा। डाइट आपको पता ही है, इससे जो चलती रहेगी, तो एक बार चल के देखते हैं निखिल क्या कर रहा है। कंटेंट क्या हो रही है, लगा दूंगा ना तेरे मुंह पे बाद में। मैडम बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचान। देख रहे तो 2 दिन से तू अंडे नहीं उबाल रहा ना, 2 दिन से अंडे मैं उबाल रहा हूँ और इतने मस्त उबाल रहे हैं ना। पहले मैं उसको पूरा एकदम गैस तेज करके रखता हूँ और उसके बाद फिर गैस धीमी कर देता हूँ, और उसके बाद धीमी करने के बाद ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ, बहुत तगड़ी वाली लगेगी, बहुत सारी। चले जा आगे, चले जा बहुत छुट्टी क्या है, समझ जा। सही है ना, अंडे बहुत मस्त उबल रहे हैं, पूरे 25 मिनट रख। कर लिया लेट के और सोने के क्या सोया नहीं था, बस खाली में गेम खेल रहा था लेट के जब आराम से। सुबह उठा तो मम्मी ने बोला साइड में कॉफी बनाओ, कॉफी तो मैं नहीं पी सकती क्योंकि गेमिंग पे वो कॉफी से वेट कम होता है, तो मैंने कहा कि पास्ता ही बनाओ साइड से। साइड ने पास्ता बनाया, वही खा रहा हूँ। साइड तो खा के गली में चले गए, मम्मी अभी छत पे से कपड़े लाने गई हैं, आएंगे तो भी खाएंगी। और मैच चल रहा है इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का, और साथ में पास्ता चल रहा है। पास्ता बहुत अच्छा बनाया भाई, बहुत अच्छा बनाता है, मुझे ऐसे सिंपल ही पसंद है। मुझे ज्यादा कुछ धनिया प्याज और ये सब डाल के नहीं पसंद है, सिंपल लेकिन मस्त हो। तो भाई ने बहुत अच्छा बनाया, यही खा रहा हूँ, यही सब चल रहा है। उसके बाद खाऊंगा सोयाबीन, आप सोच रहे हो कि मैं पास्ता और ये सब कैसे खा ले रहा हूँ। मैं भी पहले यही था, मैं पूरा एकदम डाइट पे उस पर था, लेकिन फिर मैंने ये से पूछा तो भैया ने बोला आप अभी गेन कर रहे हो तो जैसे भी आपका वेट बढ़ सकता है आप बढ़ाओ, क्योंकि वर्कआउट तो मैं रोज करता हूँ, जैसे भी आपका वेट बढ़ सकता है आप वेट बढ़ाओ गेन करते हो। जब मैं बॉडी लीन में आने लगूंगा तो एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करूंगा, तो अभी इसलिए मैं खा लेता हूँ। पीनट बटर खत्म हो गया था लेकिन पापा घर पहुंचे थे तो भाई, लेकिन मैसेज मैंने किया था, लेकिन फिर पापा जब घर पे आए तो पापा ने फोन लेकर, तो भाई पापा ने कहा कि जाओ ले खा जाओ, तो मैंने ले लिया पीनट बटर लेने के लिए आया था स्कूटी से। ये रही स्कूटी, अब इसको रख रहा हूँ, फिर उसके बाद चल रहे घर। फिर उसके बाद भाई साहिल ने कहा था चिकन बिरयानी, वैसे पापा से मतलब चिकन बिरयानी भी लिया ना, तो पापा घर तक आ गए थे तो उसने कुछ लेकर आए नहीं। पापा ने यही बोला कि जाके पीनट बटर ले, घर के पास नहीं मिलता, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है सही रेट में मिलता है और वहाँ पे ना ज़्यादा रेट में देते, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया था। अब जा रहा हूँ चिकन बिरयानी। ले ली मैंने बिरयानी भी, ये रही शॉप, इधर उधर रोल की भी शॉप है बिरयानी के लिए, मतलब खाने पीने के तो सब कुछ। तो ये ले ली हाफ प्लेट भाई, और खाएंगे और मज़ा आएगा। तो
अरे यार मैं अकेले साथ में आया तो नहीं, वरना आपको स्कूटी शॉर्ट्स भी दिखाता सिनेमैटिक शॉर्ट्स, तो इसलिए कोई आया नहीं तो नहीं दिखा पाऊंगा। फिर बात करना जल्दी से, बिरयानी मजे करेंगे और मुझे सोयाबीन भी खाने फ्राई करके वही मैं। सब हो गया आज, बैग नहीं था, बैग के लिए भैया आए नहीं थे तो, लेकिन याद हो गया ना पहुँचे क्या करने, तो वही सब मैंने कर ली अच्छे से पूरी। अभी बस अभी घर चल रहा हूँ, वो बातें रखी है, खाओ पीऊँगा फिर उसके बाद में। ठीक है, आज आप सोच रहे होंगे मैं ऊपर वाले सबसे रूम में क्यों इसलिए हूँ, क्योंकि आज मौसा सॉरी मौसा घर पे हैं तो, और ऊपर से तो मैंने वही सोचा कि मतलब मौसा ना थोड़ा अजीब बिहेव करने लगे, तो मैंने सोचा कि चलो ऊपर आ जाता, तो ऊपर रूम में हूँ। यहाँ पर डाइट ले रहा हूँ, एग मैंने वहाँ बॉइल करने के लिए रखे हैं, दिखाता हूँ आपको। और आपको पता ही है आज सॉरी तीसरा दिन है जबकि मैं एग अपना खुद बॉइल कर रहा हूँ, क्योंकि निकल मैं अगर स्कूल जाने के लिए मेरा एग बॉइल हो रहा है, मैंने इसको 500 पे कर रखा है 10 मिनट के लिए, उसके बाद 10 मिनट चाट पे करूँगा। इससे पहले 5 मिनट या 6 मिनट बारह सकते थे, मैं पहले तेज करता फिर बिना पानी देता, वही सब फ्रीजर होगा फिर इसको उतारूंगा। राइट साइड से वो चल ही रही है, तो बस फिर आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते अगले ब्लॉग, तो फिर बने रहना ही, क्योंकि लखपति ब्लॉग पे कहीं जाना नहीं है, यही रहना है। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और बस बने रहो यहीं पे वेलापंथी ब्लॉग पे। और जो एक दिन ब्लॉग नहीं आया था इससे पहले उसके लिए सॉरी, बट दोबारा से ऐसे रेगुलर से ब्लॉग आएंगे, बस टाइम कुछ हो गया था, पर कुछ नहीं, मिलता है ब्लॉग पे, यही रहना, कहीं मत जाना, ठीक है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।